यहाँ तो पुलिस आ गई है, मैं चलता हूँ, इनका ऑपरेशन अंदर कर। विनोद, ये कैसा खून खराब हुआ है तुम्हारे हॉस्पिटल में? आदमी यहाँ तो कोई नहीं भाग कर आया, यहाँ कोई भाग कर नहीं आया, पागल हो गए का? हॉस्पिटल की तलाशी तुम लोग? अगर तुम सरकारी हो क्या मैं आपको प्राइवेट दिखाई दे रहा हूँ क्या? देखो विनोद, विनोद इस समय तुम कानून अपने हाथ में ले रहे हो, एक मुजरिम को बजा करके अच्छा नहीं कर रहे हो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, यह हॉस्पिटल है, यहाँ ऑपरेशन बराबर होता रहता है, इसलिए यहाँ पर खून खराब है। डाकू मंगल सिंह यहाँ आया है कि नहीं आया है? यहाँ डाकू मंगल सिंह, कोई डाकू आया है? आया नहीं है। नहीं, ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है, डॉक्टर साहब बहुत बड़ा एहसान किया आप, कि आप एक इंस्पेक्टर से हमारी जान बचा लिए, कि यहाँ डाकू मंगल सिंह नहीं आया है, शुक्रिया है, शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इतना तो चाहता हूँ डॉक्टर साहब, कहिए क्या कहें, आपने मेरी जान बचाकर अच्छा किया है, आप जो मांगना चाहते मांग लो, ये मंगल सिंह देने के लिए तैयार है। देखिए मंगल सिंह, हमारा जो फर्ज था उसको मैंने अदा किया हूँ, रही बात मांगने की, इस समय आपसे मैं कुछ नहीं मांगूंगा, समय आने पर मैं आपसे अवश्य मांगूंगा। इंस्पेक्टर आकर यहां से वापस गया, अरे वो ससुर के नाती का समझेगा कि मंगल सिंह में क्या जान है, भाई समझता है। डॉक्टर साहब कहिए, मौका आने पर मांगेंगे, ठीक है, अगर मौका आने पर मेरी जान मांगेगी तो मंगल सिंह देने के लिए तैयार है। ठीक है, जा रहा हूं, आपकी तरह हवेली या बंगले पर नहीं बसर करना है, हमारी जिंदगी तो केवल जंगल में कटती है डॉक्टर साहब, हमारा एक तूफान है, यहां से घुस जाओ 2.5-3 किलोमीटर के बाद निकलोगे, ठीक है? ठीक है, जा रहा हूं, लेकिन याद रखना मौका आने पर बुला लेना। ये तो मैं अवश्य याद रखूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। ठीक है, हो
मर गया रे। कौन? मंगल इंस्पेक्टर अपने आप को क्या समझा? क्या है कि मंगल सिंह मर गया? मंगल सिंह जिंदा है। मंगल सिंह तुम कानों से खेल रहे हो? मंगल सिंह तेरी भलाई इसी में है, तुम अपने आप को हमारे समर्पण। अरे काहे बोलता इंस्पेक्टर, इतना नादान मंगल सिंह नहीं है, इतना नादान मंगल सिंह नहीं है, अपने आप को हवाले कर देगा। इंस्पेक्टर हाँ बोल, तेरी ही गोली मेरी बाहों में लगी थी। हाँ मेरी ही गोली लगी थी, लेकिन जहर का इंजेक्शन नहीं बल्कि डॉक्टर साहब ने बचा लिया। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मंगल इस समय मैं निहत्था हूं, लेकिन सोच लो मंगल, अगर तुझे कुत्ते की मौत न मारा गया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर प्रकाश नहीं है। अरे ससुर के नाते काहे चिल्लाता रे? अरे मुद्दई लाख बुरा, अरे मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। चिल्ला नहीं, दार पर चढ़ जा। चल इंस्पेक्टर अपनी दुनिया को याद करेगा। आज तुम्हारा दुश्मन डाकू मंगल सिंह तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन आज बेमौत मारूंगा। अरे तुम्हारी गोली से मैं बच गया, लेकिन हमारे पार से हमने आपसे वादा किया था कि हे मंगल सिंह, मैं समय आने पर आपसे मांगूंगा। आज वह नहीं। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार, आप आ गए, आपका एहसान मैं नहीं भूला हूं। आपने वादा किया था कि मैं मौका आने पर मांगूंगा, तो आज आपका मौका है। क्या मांगना चाहते हो मंगल सिंह? हम तुमसे सिर्फ इतना मांगना चाहते हैं कि आप अपनी पिस्तौल हमारे हाथ में दे दो। बस बस इतना ही आपसे मांगना चाहते हैं। ये तो बच्चों का खिलौना है यार, क्या करोगे? अरे मांगना था मंगल सिंह की दौलत, तूने मांग लिया। कोई बंगला क्यों नहीं मांग लिया? इलाका क्यों नहीं मांग लिया? तुम्हारे लिए कोई इलाका खाली करवा देते, लेकिन ये बच्चों का खिलौना मांग रहा है। मंगल सिंह हमें धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है, हमें धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ वही अपने पिस्तौल मुझे दे दीजिए बस। बा बेटा बा, डॉक्टर कहिए क्या कहना? अरे है पिस्तौल, है पिस्तौल, क्या करोगे तेल लगा के लेकर? पिस्तौल तो जान की खतरा है, आप सिर्फ हमें पिस्तौल दीजिए, जो करना है सो मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे। अच्छा ठीक, मैं तो वचन दे दिया हूं कि मेरी जान मांगोगे
ये मंगल सिंह देने के लिए तैयार है, आज क्यों नहीं दूंगा? ये लो मंगल सिंह, मैं चलता हूं, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तूने मेरे पिता शेठ बनवारी का खून किया था, उस समय मैंने कसम खा था कि हे मंगल सिंह, जैसे तूने मेरे पिता का खून किया है, मैं वैसे तेरा खून करूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाते। अच्छा, तो ये रहा तुम्हारा वादा। वाह, अरे मंगल सिंह, मंगल सिंह मर्द है, मर्द जिसे मर्द लोग कहते हैं। मर्द को दर्द नहीं होता। अगर गोली चलाना चाहते हो, ये लो, एक दो। विनोद रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। मंगल सिंह हमारे पिताजी हैं, मैं उनका खून होने लगूंगा। हमारा दुश्मन है नहीं। तुम लोग एक दूसरे का खून क्यों पीना चाहते हो? बेटा, जो तेरे सिरे पे चक्कर का निशान है, क्या बचपन से है? जो मेरे सीने पर निशान है चक्र का, वही हमारे पिताजी के सीने पर है। विनोद, डॉक्टर विनोद ले, हमारे पिता जो इस समय डाकू मंगल सिंह बन चुके हैं, मंगल सिंह के सीने पर गोली चलाना चाहता था, तभी मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, आज मुझे मालूम हो गया कि इस समय हमारे पिताजी जीतना है। क्या बता सकते हो, तुम्हारे सीने पे चक्र का निशान जो है बचपन से? ये मेरे सीने पर निशान जो है, निशान बचपन का है। नहीं बेटा, तुम्हें मालूम नहीं है, ये तुम्हारे सीने पे चक्र का निशान हमने बनवाया है। क्या तूने? क्या तुम सचमुच किसके बेटे हो, हमसे बता सकते हो? जी हाँ, मैं मंगल सिंह का ही बेटा हूँ। मंगल बेटा, ये चक्र का निशान तो परसों से मैं ढूंढ के पागल बन के, जो कि मेरे दोनों बेटे के सिरे पर चक्र का निशान है और शिव जी का निशान है। बेटा, लोग मुझे पागल कहते, लेकिन मैं पागल नहीं हूं। आखिर मां, मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूँ। माँ, आखिर बात क्या है, कैसे? बेटा, बरसों से मैं अपने बच्चों को ढूंढ रही हूँ, बरसों से मैं अपने बच्चों को ढूंढ रही हूँ। मेरे भी बेटे के सीने पे चक्र का निशान है। तुम्हारे माता पिता को नहीं, मैं तुमसे जानना चाहूंगी। माँ को तो मैं जानता नहीं, हमारे पिता सिर्फ मंगल सिंह है, उसी को जानता हूँ। माँ कहाँ है, किस साल में है? माँ, क्या तुम मेरी माँ है? मैं कैसे कहूँगी तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ, बरसों से आंखें मेरी बेटी को ढूंढ रही है, और अभी अपने पिता मंगल सिंह वो नाम बरसों से लेके मैं जिंदा हूँ। माँ, मैं मंगल सिंह को बुला दूँ, तुम्हारे सामने हाजिर कर दूँ तो पहचान सकती हो? हिंदुस्तान की कौन ऐसी पत्नी जो बड़े पति को नहीं पहचान सकती? ठीक है, मैं बुला रहा हूँ, मैं भी पहचानना चाहूंगी।